दिव्या हियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप एमएस एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे एमएस एक्सेल के प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखे होंगे, उसी में आज हम सीखेंगे डेट फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेट फंक्शन के बारे में। दोस्तों, ये डेट फंक्शन यूज किस लिए आते हैं? ये यूज आते हैं कि अगर हमें कोई वर्किंग डेज काउंट करने हैं हमारे एम्प्लॉयज के, या हमें हमारी एज कैलकुलेट करनी है, या उसके अलावा हमें डेट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिखाना है, या उसको डेट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है, और उसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म और एक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे किसी डेट में हमें कुछ डेज ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास में डेट फंक्शन है, जो कि हमारे भी यूज आते हैं। तो इन्हीं का यूज करना आज हम सीखेंगे। तो सीखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं डेट फंक्शन से। तो दोस्तों, इसमें पहला फंक्शन है हमारे पास में टूडे। टूडे फंक्शन है वो किस लिए यूज आता है? जब हमें करंट डेट निकालनी हो, जो मेरी आज की डेट है, अगर वो मुझे चाहिए तो वो किस फंक्शन से आएगी? टूडे से। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ दोस्तों। ये मैंने फंक्शन के नेम लिख दिए हैं, जैसे कि आपको आइडिया रहेगा मैं कौन कौन से फंक्शन आपको यूज करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीखते हैं टुडे फंक्शन। इसके लिए मैंने पहले डेटा आपके लिए रेडी रखा है दोस्तों। जस्ट आपको इक्वल साइन लगाना है, और जैसे आप टुडे लिखते हैं आपको एंटर कर देना है। तो देखा दोस्तों, जो फॉर्मेट मेरे जो करंट डेट का है, जो मेरे सिस्टम की डेट है, वही यहाँ पे मुझे शो हो गया है। आज 12 जून 2021 है, तो वही इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया है। दोस्तों, टुडे का जब भी मैं यूज करूंगी तो वो मुझे करंट डेट ही प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कल इस शीट को ओपन करती हूँ, या दो दिन बाद भी इस शीट को ओपन करती हूँ, तो जो दो दिन बाद की जो डेट होगी वो ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट सीखते हैं दोस्तों नाउ। ये जो नाउ फंक्शन है, इससे हमें डेट तो मिलती ही है, करंट डेट मिलती ही है, उसके अलावा मुझे करंट टाइम भी प्रोवाइड होता है। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। जस्ट इक्वल और नाउ लिखना है और एंटर कर देना है। देखा दोस्तों आपने, मेरे को इसने करंट डेट के साथ में जो अभी मेरा करंट टाइम है वो भी इसने मुझे शो कर दिया है। अगर मैं चाहूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद भी वापस से इस शीट पे आऊंगी, तो मेरा टाइम जो है वो चेंज हो चुका होगा, जो करंट टाइम होगा वही दिखाएगा। थोड़ी देर क्यों, अगर मैं 1 मिनट बाद भी इस शीट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो अपडेट हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं डे फंक्शन पे। इसके लिए हमें चाहिए होगी डे। जो डे फंक्शन है या जो डे है वो हमें क्या करता है, जो हमारी पूरी जो डेट है उसमें से हमें केवल डे निकाल के दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो करके देख लेते हैं कि हमें चाहिए कि केवल आज क्या डेट है, जो आज की केवल तारीख जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अगर वो मुझे इस पूरी डेट में से चाहिए तो वो डे फंक्शन मुझे निकाल के देगा। करके देखते हैं दोस्तों। जस्ट डे, और इसमें मुझे जैसे मैंने अपनी ये डेट देना चाहूं तो जस्ट मैंने डेट पास कर दिया। तो डेट जैसे पास करी तो जो करंट डे है वो उसकी डे की डेट मेरे पास में आ चुकी है, जैसे आज 12 है। अगर इसी तरह मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो जस्ट मुझे मंथ का नेम लिखना है, सिर्फ मंथ लिखना है, मंथ का नेम नहीं, सिर्फ मंथ फंक्शन अप्लाई करना है और ये डेट दे देनी है एंड जस्ट एंटर। इसी तरह अगर मुझे ईयर चाहिए, ईयर निकालना है, पूरी डेट में से एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा ईयर चाहिए केवल मुझे, तो यहाँ पर जस्ट मुझे ईयर फंक्शन लिखना है, डेट पास करनी है एंड एंटर। तो ये 2021 आ गया। इसी तरह मान लो मेरे पास में दोस्तों, ये इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड है डेट, जैसे यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डे है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर है, और मुझे इसको पूरा एक साथ इस तरह मर्ज करके लिखना है, तो पूरे डेट फॉर्मेट में लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हमारे पास में डेट फंक्शन होता है। डेट फंक्शन में सबसे पहले हम उल्टे से चलते हैं, पहले ईयर आएगा कॉमा लगा के, फिर हमारे पास में मंथ आएगा, फिर उसके बाद में डे आएगा एंड जस्ट एंटर। देखा दोस्तों, जो मेरा फंक्शन था उसने कितने अच्छे से परफॉर्म करके मुझे ये पूरा डेट फंक्शन के डेट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया है। जो अलग अलग डेट्स थी मेरे पास में, वो मेरे पास में यहाँ पे एक पूरे मर्ज होके एक फॉर्मेट में आ चुकी है। तो देखा दोस्तों, इन फंक्शंस का फायदा,
हम कैसे करंट डेट निकाल सकते हैं, करंट डेट और टाइम निकाल सकते हैं, डेट में से पूरा केवल डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, और जो अलग अलग है उसको मर्ज करके पूरा डेट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली यूजिंग दिस फंक्शंस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है हमारे पास में, अगर मान लीजिए दोस्तों अगर हमारे पास में हमारी डेट है और उसमें हमें कोई डेज ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं करंट डेट ले लेती हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरी डेट है, अब मुझे इसमें 7 days ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली इस सेल में जो भी मेरी डेट है और प्लस का साइन लगा के और इस सेल में जो भी वैल्यू है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकती हूँ, और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू लिया है। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मुझे केवल 2 ही दिन ऐड करने हैं, तो ये 2 दिन इसने मुझे ऐड करके दिखा दिए हैं, और उसके बाद की जो डेट आएगी वो इसने मुझे कर दिया है, और इसकी जगह मैंने सेल लिया है। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे किस तरह से मैंने डायरेक्टली इक्वल और जो मेरी डेट थी और उसमें जो डेट थे डे थे जितने मुझे ऐड करने थे वो जस्ट मैंने सेल सेलेक्ट करके एंड सिर्फ एंटर प्रेस किया और मेरे पास में वो डेट आ गई है जो 7 दिन बाद होगी। नेक्स्ट करते दोस्तों, अगर मुझे यही सब्ट्रैक्ट करना हो या पीछे के दिन देखने हो तो क्या करना है मुझे, सिंपली ये मेरी डेट और उसके बाद में माइनस और ये एंटर। देखा दोस्तों आपने मेरी जो करंट डेट थी उसमें से उसने मुझे 3 days लेस करके 9 June दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है इसको यूज करना, जब आपको ऐड करना है तो जस्ट प्लस और माइनस करना है तो जस्ट माइनस साइन का आपको यूज करना है इक्वल के साथ में, और आपके पास में आपकी जो करंट डेट है उसके बाद में जो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारे पास में आ चुकी होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें मंथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें एक ई डेट नाम का फंक्शन मिला हुआ है। ई डेट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ई डेट हमें जो करंट डेट है उससे जो आने वाली जो इन फ्यूचर डेट है या जो हमारी पास्ट की डेट है या पास्ट का जो टाइम है उसको डेट को हमें कैलकुलेट करके दे देता है। वो कैसे करता है वो हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं करंट डेट लिख देती हूँ, उसके लिए जस्ट हमें जैसे पता है हमारा फंक्शन तो मैं वो अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे मंथ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये ई डेट फंक्शन का यूज करूंगी, जो मेरा सेल है उसको लूंगी और यहाँ पे ये जितने मुझे मंथ ऐड करने हैं। देखा दोस्तों कि 7 months बाद जो मेरे पास में डेट होंगे तो वो मेरे पास में यहाँ कैलकुलेट होके आ गया है। इसी तरह से अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट मेरा स्टार्ट डेट ये है और फिर मेरे ने कॉमा लगा के यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी मैंने लिख रखा है तो ये मेरे पास में माइनस होके आ गया है। देखा दोस्तों ये यूज करना हमारे लिए कितना इजी है, जिसे हम इजीली यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे माइनस के लिए मैंने डायरेक्ट माइनस साइन का यूज किया, जिससे कि यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ मैं माइनस नहीं दे सकती तो ये इसे ऑलरेडी माइनस में लेके माइनस कर देता है मंथ को। ओके दोस्तों, देखा आपने ई डेट। और इसी तरह से मान लीजिए हमें ईयर्स में अपडेट करना है, मतलब ईयर्स ऐड करने हैं और ईयर्स ही सब्ट्रैक्ट करने हैं हमारी करंट डेट से या हमारी जो भी अवेलेबल डेट है उसमें हमको एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम सेम यही चीज करेंगे। मैं करंट डेट में ही ये सारे फंक्शन आपको परफॉर्म करके बता रही हूँ दोस्तों, आप सीखते जाइएगा। देखिएगा ध्यान से कि मंथ और जो हमारा ईयर है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, सेम वो चीज़ तो हमें यही देनी है कि जिस भी स्टार्ट डेट पे हमको करना है। अब ये मंथ है लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ईयर। तो दोस्तों जब हमें चाहिए कि हम अपने ईयर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई डेट में सेम ई डेट का फंक्शन को हमको यूज करना है, सेल को सेलेक्ट करना है और जो हमारा जो महीने हैं तो वो कितने होते हैं, 12 months होते हैं हमारे पास में, एक साल में हमारे पास में 12 months होते हैं, तो इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है बाय 12 एंड जस्ट एंटर। इसी तरह यहाँ पे ई डेट का हम यूज करते हैं वापस से माइनस करने के लिए मंथ और जस्ट सेलेक्ट डेट कॉमा, क्योंकि माइनस करना है तो मैंने ऑलरेडी माइनस का साइन लगा रखा है और मल्टीप्लाई किया है मैंने बाय 12 एंड जस्ट एंटर। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मेरे पास में 13 years पीछे ये डेट जा चुकी है। तो देखा दोस्तों ये यूज करना कितना इजी है, बस आपको इनको ध्यान रखना है। मैंने जो भी डेटा यूज किया है और जो फंक्शन मैं यूज कर रही हूँ वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमें सिर्फ सेल्स को लेना है, फंक्शन का नाम ध्यान रखना है और
जो हमारी वैल्यू है वो पास कर देनी है। यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट डेट और यहाँ पे मंथ्स, मंथ्स को हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर में क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके दोस्तों, कितना इजी है इसको यूज करना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज के थ्रू दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग डेज ऑफ मंथ, मंथ या ईयर, कुछ भी हम कैलकुलेट करना चाहें। मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयज हैं या स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो एक साल में कितने दिन आए हैं या एक साल में एक एम्प्लॉय ने कितने डेज वर्क किया है, ये सब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम नेटवर्क डेज फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा आपके लिए प्रिपेयर रखा है, हम इनका यूज करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जिसने ज्वाइन किया है 1 जून ऑफ 2021 और उसका एंड होगा ईयर 30 मई 2022। ओके दोस्तों, तो उसी पे मैं आज सारी कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगी। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, नेटवर्क डेज यहाँ पे लिखना है और जस्ट पास कर देनी है स्टार्ट डेट, उसके बाद में मुझे कॉमा लगा के जो एंड डेट एंड जस्ट एंटर। तो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 260 डेज। तो वैसे तो दोस्तों वन ईयर में 365 डेज होते हैं, ये आपको भी पता है हमें भी पता है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे 260 डेज क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने सैटरडे संडे को भी काउंट किया है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास में 52 वीक्स होते हैं वन ईयर में, हम सभी को पता है 52 वीक्स होते हैं। तो एक वीक में हमारे पास में कितने दो, एक सैटरडे एक संडे, तो दो दिन हो गए जो हमारे हॉलीडेज होते हैं या ऑफ डेज होते हैं। तो ये ऑफ डेज को भी इसने यहाँ पे काउंट किया है। तो 52 × 2 = 104 डेज हमारे पास में ऑफ हो गए। और यही अगर मैं 365 में से आपको कैलकुलेट करके बताऊं 104, तो देखा दोस्तों आपने 261 हो रहे हैं। मे बी इस ईयर में यहाँ पे फर्स्ट या 30 जो हो वो भी संडे हो, इसलिए यहाँ पे इसने 260 डेज मुझे बताया है। तो देखा दोस्तों आपने ये कैलकुलेशन कैसे हुई है कि हमारे पास में एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं और उसमें एक साल में हमारे पास में होते हैं 52 वीक्स, और अगर सैटरडे संडे दोनों ऑफ डे माना जाए तो हमारे पास में 104 डेज जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने 365 में से, जैसे मैंने आपको करके बताया, आप यहाँ फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, 365 में से 10 जब माइनस करते हैं तो 261 डेज कैलकुलेट होते हैं। तो इसने हमें डायरेक्टली यहाँ पे बिना किसी कैलकुलेशन के 260 दिया है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि 1 जून या फिर 30 मई जो है वो संडे है, दोनों में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है नेटवर्क विथ हॉलीडेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों हमारे जैसे इंडिया में काफी सारे हॉलीडेज अलग से दिए जाते हैं सैटरडे संडे के अलावा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट हॉलीडेज हैं जो इस ईयर में आने वाले हैं, दैट इज क्रिसमस, क्रिसमस की हमेशा ऑफ होता है, उसके अलावा रक्षाबंधन जो कि हमारा फेस्टिवल है, नेशनल हॉलीडेज के दिन भी रहता है, और दिवाली, ये 3 डेज है। अगर ये भी मुझे अपने इस वर्किंग डेज में इंक्लूड करवाना है कि एम्प्लॉई ने इन इन डे भी वर्क नहीं किया है तो उसका वर्किंग डेज आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नेटवर्क डेज फंक्शन का ही यूज करेंगे। जस्ट मेरे को ये करना है, स्टार्ट डेट भी मेरी यही रहेगी, एंड डेट मेरी यही रहेगी, उसके अलावा मैं हॉलीडेज में ये हॉलीडेज की जो डेट है ये यहाँ पे इसको कैलकुलेट करवा दूंगी कि ये मेरे हॉलीडेज रहने वाले हैं, एंड जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगी। तो ये 259 आ गया दोस्तों। इसने हमें 259 इसलिए दिया है कि हो सकता है इन तीनों डेट में एक या दो डेट जो हो वो ऑलरेडी संडे आ रहा हो, इसलिए इसने मुझे ये डेज कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है नेटवर्क डेज के थ्रू, हमको ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि वो सैटरडे है या संडे है, ये ऑलरेडी खुद से काउंट कर लेगा कि कौन कौन से सैटरडे है कौन से संडे है, और वो ऑफ डेज को ये मान के ही हमें प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों हम इसमें हॉलीडेज भी ऐड कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑफ डेज है उनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे पास में अगर हमें इंटरनेशनली नेटवर्क डेज देखना है, मतलब कि हमें पता है कि हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है,
मान लीजिए कोई अदर कंट्री है, जैसे मान लीजिए दुबई है, तो वहां पे क्या होता है कि फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, ना कि सैटरडे और संडे। तो वहां पे फ्राइडे और सैटरडे होता है, तो हमें अगर चाहिए कि हमारे जो ऑफ डेज है उसमें फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नेटवर्क डेज डॉट INTL, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। यहाँ पे भी सेम स्टार्ट डेट मेरी यही रहेगी, एंड डेट मैंने यही रखी है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे ही कॉमा लगाया तो यहाँ पे मेरे पास में आ चुका है कि कौन कौन से डेज ऑफ रहने हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया जिस कंट्री का, वहां पे है फ्राइडे और सैटरडे ऑफ है, जैसे मैंने दुबई का आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको दुबई का एक एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होते हैं, या किसी भी कंट्री में आप मान लीजिए कि वहां पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ है, तो उसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगी। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और हॉलीडेज भी ऐड करना, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, मेरे पास में वो ऑप्शन में है। मैं इसको यहाँ पे से ऐड कर लेती हूँ एंड एंटर। तो देखा दोस्तों आपने, इसने इस चीज़ को भी एंटर करके मेरे पास में जो टोटल वर्किंग डेज आते हैं या नेट वर्किंग डेज हैं हमारे एम्प्लॉय के, वो इसने हमें शो कर दिया है, जिससे कि हम उसकी जो सैलरी हम काउंट करके दिखाना चाहते हैं या उसको देना चाहते हैं, वो हम इजीली दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इन फंक्शंस के थ्रू अगर हमें कैलकुलेट करना है डेज के बिटवीन का टाइम, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। और उस पर और भी एक्शंस अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हॉलीडेज ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मान लीजिए अगर मेरे पास में एक मंथ की सैलरी निकालनी है या एक मंथ का उसका नेटवर्किंग डेज देखना है, तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नेटवर्क डेज, ये स्टार्ट डेट कॉमा ये एंड डेट एंड जस्ट एंटर। तो ये मेरे पास में 22 डेज आ चुके हैं, बाकी हमारे सैटरडे संडे जो ऑफ डेज इसने लिए हैं वो। तो देखा दोस्तों कितना इजी है, चाहे मैं मंथली वीक डेज निकालूं या मैं ईयरली हमारे वर्किंग डेज निकालूं, वो दोनों मेरे पास में अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों आप ये सारी चीज़ें सीखते जाइएगा और यूज़ ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जब भी आपके पास में रिक्वायरमेंट हो, तो आप इजीली इनका यूज़ करके अपना काम कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट चलते दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास में डेट लिखे हुए हैं, जैसे ये 12 से लेके मैंने कुछ डेट ली है, अगर मुझे इनके डेज का नेम चाहिए कि आज क्या डे है, मान लीजिए संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वो मुझे जानना है इन सब का। मान लीजिए दोस्तों मुझे यहाँ पे अपने डेज का नेम भी चाहिए और मंथ नेम भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगी, ये डेट ले लेती हूँ दोस्तों, ये सेम डेट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। अब मुझे इसका डेज नेम चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी दोस्तों, सेलेक्ट कर लूँगी पूरे सेल को जहाँ पे मुझे डेज नेम चाहिए, और यहाँ पे जाऊँगी मैं नंबर में। दोस्तों नंबर में जाने के बाद में मुझे जाना है डेट फॉर्मेट में। अब डेट फॉर्मेट में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये इस तरह से फुल डेट फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मेरे को केवल डेज नेम चाहिए, यहाँ पे डेज नेम के साथ में पूरी डेट आ रही है, अगर मैं इसे ओके कर देती हूँ तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे ये इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि केवल डेज नेम आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे कस्टम में जाके खुद का डेज नेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का कोई भी डेज नेम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे DDMMY है जो आपको दिख रहा है, इसमें ये कर करके दिखा रहा है कि ये फॉर्मेट हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन डेज नाम से नहीं है। तो हमें यहाँ पे खुद का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए केवल DD लिखा तो डेट आ रहा है, यहाँ पे सैंपल में आपको दिख रहा होगा। अगर मैं 3D लिखती हूँ तो यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, और अगर मैं 4D लिखती हूँ तो यहाँ पे पूरा सैटरडे लिखा हुआ आ रहा है केवल। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको करती हूँ ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ये सारे जो डेज हैं इनके ये नेम मेरे पास में आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए मेरे पास में सेम डेट है, ठीक है दोस्तों। देखा आपने किस तरह जो मेरे मंथ थे, जो मेरे पास में मंथ की लिस्ट आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, जो उनके डेज नेम भी आ चुके हैं और उनके मंथ नेम भी मेरे पास में अवेलेबल हो चुके हैं डेट के अकॉर्डिंग। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हम कस्टम डेट का यूज करके या कस्टम फॉर्मेट का यूज करके हम अपना खुद का फॉर्मेट बना सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने डेज नेम निकाल सकते हो और अपने मंथ नेम भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऐसी चीज जो मे बी आपने अभी तक नहीं सीखी होगी। आपको अगर अपना एज कैलकुलेट करना है एक्सेल में, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों एक तरीका आपने मे बी देखा होगा, बहुत यूजली लोग यूज करते हैं, दैट इज डेट डिफरेंट फंक्शन का यूज करके। ये जो डेट
डेट डिफरेंस फंक्शन होता है दोस्तों, ये ओनली 2010 एमएस एक्सेल में अवेलेबल है, ये हमारे जो अपग्रेड वर्जन हैं उनमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विदाउट हम कैसे एज कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी, उसको हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे पास में दो मेथड है अगर हमें एज कैलकुलेट करनी है। तो पहला देखते हैं, ये मैंने दोस्तों कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ ली है किसी पर्सन की, और आज तक टिल डेट तक हमारी क्या इसकी एज होगी इस पर्सन की, जो भी एक्स वाई जेड पर्सन है, तो उसका आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों केवल ईयर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, ईयर के लिए पहला है मैं डायरेक्टली जैसे मेरे को लगाना है, मेरे को टिल डेट से चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम रिवर्स में जाएंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि पहले डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, क्योंकि मुझे उल्टे से देखना पड़ेगा। तो जो मेरी आज की डेट है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी जो इसका डेट ऑफ बर्थ है एंड जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरे पास में पूरे डेज काउंट हो जाएंगे कि कितने डेज थे। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 365 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास में ये करके देगा। इसको मैं डेट फॉर्मेट में कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैंने यहाँ पे डेट फंक्शन है, क्योंकि पहले मुझे माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको बाद में उससे डिवाइड करवाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉडमास फंक्शन, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में मेरे सिखाया था बॉडमास रूल, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ब्रैकेट का मैंने यूज कर लिया। तो पहले यहाँ पे माइनस होगी वैल्यू और उसके बाद में यहाँ से डिवाइड होगी डेसिमल वैल्यू। मीन्स ये पर्सन 24 ईयर और समथिंग मंथ का हो चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक इंट फंक्शन का हम यूज करेंगे। इस इंट फंक्शन से क्या होता है दोस्तों, ये हमारे डेसिमल वैल्यू को हटा के सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है हमें। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे ये 24 आ चुका है। दूसरा मेथड है दोस्तों, अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम ईयर फ्रैक जो ये फंक्शन आपको दिख रहा है इसका यूज कर सकते हैं। स्टार्ट डेट में हमें वही रिवर्स में लेना है एंड जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में इसने डायरेक्टली 24 समथिंग दे दिया है। इसे भी हम इंटीजर के थ्रू पूरा डेसिमल वैल्यू हटा के इंटीजर में ले लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह यहाँ पे जब मैं माइनस करके डिवाइड बाय 365 कर रही थी, वो चीज हम यहाँ पे 365 की जगह हमने क्या किया, जस्ट ईयर फ्रैक फंक्शन का यूज कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखा आपने दोनों तरीके अपने आप में बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ ईयर फ्रैक फंक्शन का मुझे यूज करना है, और जो मेरी जो टिल डेट है उसको मुझे पहले लिखना है, और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मुझे बाद में लिखना है, क्योंकि मुझे मेरी एज कैलकुलेट करनी है। और मेरे को लगाना है इन फंक्शन जिससे कि मेरे पास में डेसिमल वैल्यूज ना आए। और अगर मैं डायरेक्ट करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 365 कर दूंगी डेज में माइनस करके। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे ये मेरे पास में ईयर आया है, अगर मैं चाहती हूँ बताना कि इस पर्सन को आज इस डेट तक इतने ये साल का हो चुका है, इतने मंथ हो चुके हैं, इतने डेज हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हमें काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टिल डेट है इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल डेज आ चुके हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये हमारे पास में आए हैं टोटल डेज। ठीक है दोस्तों, ये टोटल डेज आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मेरे पास में आ चुका है कि ये पर्सन जो है ये 24 इयर्स का हो चुका है। तो 24 इयर्स इंटू 365 में अगर कर दूं तो मेरे पास में ये डेज आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास में ये टोटल डेज आ चुके हैं जितने डेज का ये अभी तक हो चुका है। तो अगर मेरे पास में वो डेज आ गए हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे 24 ना करके जस्ट ये सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास में अभी जितने डेज का हो चुका है वो डेज आ गए हैं, अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी इस सेल में से टोटल डेज में से जितने डेज का ये अभी तक हो चुका है। तो ये मेरे पास में अभी ड्यू डेज जो इसके होते हैं ये मेरे पास में आ गए हैं, मतलब इतने डेज और ये बाकी है। तो इसको मैं क्या करूंगी दोस्तों, यहाँ पे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इस डेज को डिवाइड कर दूंगी 30 से। 30 और 31 होते हैं तो हम 30 लेके चलते हैं।
एंड जस्ट एंटर कर देती हूँ। ये मेरे पास ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर देती हूँ। देखा दोस्तों आपने, तो ये मेरे पास में यहाँ पे क्या हुआ, मंथ आ गए हैं। ये मैंने कैसे निकाला दोस्तों, आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरे पास में टोटल डेज आ गए थे, कैसे मैंने माइनस किया था उससे। उसके बाद में मुझे पता चल चुका था कि ये 24 इयर्स का हो चुका है, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 24 इयर्स ये हो गए इसको, तो 24 × 365 डेज। तो ये करते ही मेरे पास में टोटल डेज जितने का ये हो चुका है वो आ गए, उसको मैंने माइनस किया तो ड्यू डेज आ गए मेरे पास में। अब ड्यू डेज को मुझे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 30 और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास में 9 मंथ रिजल्ट आ चुका है कि ये 9 मंथ का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 9 मंथ का हो चुका है। अब मेरे पास में क्या बचा, डेज। अब मुझे और देखना है ड्यू डेज, तो वापिस से मैं ड्यू डेज कैसे निकालूंगी, मैं इस नाइन को क्या करूंगी, इंटू कर दूंगी 30 से। तो मेरे पास में डेज आ जाएंगे 270। अब मैं इस 270 को यूज करूंगी, ये ड्यूज में मैं इसे माइनस कर दूंगी ये, तो मेरे पास में 11 डेज आ गए। तो यहाँ पे ये 11 डेज। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने ये कैलकुलेशन करके मैंने किस तरह पर्सन की एज यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखूंगी तो वो इजीली हमारे पास में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये पर्सन की ईयर ये थी, अगर उसका कुछ और ईयर होता तो वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता। तो दोस्तों देखा आपने, जिस पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1996 ईयर और समथिंग डेट था, और टिल डेट तक मैंने निकाला तो वो 24 इयर्स का हो चुका है, 9 मंथ हो चुके हैं और 11 डेज हो चुके हैं। इसी तरह आप अपनी भी एज कैलकुलेट कर सकते हो, या किसी और पर्सन की भी कैलकुलेट करना चाहते हो इन एक्सेल तो वो यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग डेट डिफ फंक्शन, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शंस का, ये जो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बताई है, आप इजीली इनका यूज कर सकते हो और अपनी एज निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।